गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आजाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। ये हमारे पोल्ट्री बर्ड्स का आज 35 डेज है और आप देख रहे हैं कि पूरा फार्म वाइट बर्फ की चादर की जैसा पूरा भरा हुआ है। और इस बार का रिजल्ट बहुत ही तगड़ा है क्योंकि कंपनी का फीड भी बहुत अच्छा है, सोया का कमी नहीं है मार्केट में। बीच में सोया का शॉर्टेज चल रहा था जिसके वजह से फीड सही नहीं आ रहा था, सारे फीड कंपनी का फीड का रेट भी भागा हुआ था और जो इंटीग्रेशन में है वो कंपनी फीड सही नहीं देती है, चाहे वो आईबी हो, सुगना हो, कोई भी कंपनी हो। इंटीग्रेशन के नाम पे फीड में कटौती होता है, मतलब क्वालिटी में कम्प्रोमाइज कर लेते हैं कंपनी वाले। और अभी सोया का पोजीशन ठीक है जिसके वजह से फीड भी अच्छा आ रहा है और मौसम तो माशाल्लाह ठीक ठाक है जिसके वजह से बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्टिलिटी भी इस बार बहुत कंट्रोल है, मेरा ओवरऑल मॉर्टिलिटी देखा जाए तो 1.56 के आसपास मॉर्टिलिटी है और एफसीआर भी मेरा 1.56 के आसपास जा रहा है, जबकि बुक के हिसाब से 1.66 होना चाहिए था। तो कंपनी के हिसाब से भी एफसीआर कम है, बर्ड्स देख रहे हैं दाना पानी ठीक ठाक कर रहे हैं, फीड इनटेक में फीड में सब लगे हुए हैं बर्ड्स, ये देखिए, और पानी भी ठीक ठाक पी रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वेट करके देखूं क्योंकि देखने ही से लग रहा है कि बर्ड्स में वजन अच्छा खासा आया हुआ है। जो 40 रोज में वेट आता है वो 35 डेज में मुझे ओवर दिख रहा है। अभी तक निप्पल में मेरा 1 kg 950 ग्राम से ज्यादा वेट नहीं गया है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कितना वेट आया है। इस मीटर ऑन करता हूं मैं वेट मशीन का, नंगल पकड़ के थोड़ा, 4 मुर्गी और 1 मुर्गा पकड़ना। ये देखता हूँ वेट कितना आता, 2 2 4, 1 और डाल, 5। ये देखता हूँ ये आया है हमारा 11 kg 440 ग्राम। देखें कैलकुलेटर थोड़ा सा, 11 kg 440 ग्राम, ये देखता हूँ मैं कैलकुलेटर पे जोड़ के, 11 kg 440 भागा 5 इक्वल टू, भागा नहीं माइनस हो गया, ये कहाँ है यार, दिख ही नहीं रहा, रोशनी थोड़ा सा इसका बढ़ा, नीचे से अब थोड़ा सा दिख रहा, इसको कैंसिल करेंगे, 11 440 भागा कहाँ, भागा 5 इक्वल टू, ये देखो 2 kg 11 kg 440 ग्राम भागा 5 यानी 2 kg 228 ग्राम का बर्ड्स हो गया है। तो रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बर्ड्स आपके सामने है, 11 kg 440 ग्राम था और 5 बर्ड्स हमने, 4 मुर्गी और 1 मुर्गे में 2 kg 228 ग्राम के आसपास आया है। और अभी मौसम थोड़ा सा बारिश का है, कल बहुत बारिश हुई है, आज तो बादल है लेकिन बारिश नहीं हुई है। और इसमें मुर्गे का वजन जो है वो आपका 2 kg 400-500 ग्राम क्रॉस कर चुका, मतलब मीन्स 250-2.5 किलो के आसपास में मुर्गे का वेट है और मुर्गियों का वेट आपका 2 kg 200 ग्राम के आसपास में है। और उसमें मैंने 1 मुर्गा मिक्स किया था इसलिए 8 ग्राम ज्यादा आ रहा है,
यानी 2 किलो 300 आप एवरेज पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरे फार्म में जो मुर्गे की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इस बार एवरेज मेरा लिफ्टिंग जो आना चाहिए वो 2 किलो 400 ग्राम के आसपास मैं पकड़ रहा हूँ। 2 रोज कंपनी वालों ने और बोला है कि 2 रोज और रखेंगे, और अभी मुर्गे का रेट शायद सही नहीं जा रहा जिसके वजह से वो लोग लिफ्टिंग नहीं कराना चाह रहे, तो 2 रोज और देखते हैं। हालांकि अब मेरे ख्याल से अब ज्यादा ग्रोथ आएगा नहीं, अब ये फीड इनटेक करेंगे तो FCR मेरा खराब होगा, इसलिए मैं कंपनी के ऊपर प्रेशर बना रहा हूं कि किसी भी तरह से वो लोग लिफ्टिंग कर लें। अगर लिफ्टिंग कर लेंगे तो मेरा FCR मेंटेन रहेगा, तो शायद मुझे भी पेमेंट अच्छा आ जाए। तो कोशिश करता हूं दोस्तों कि 2 रोज के अंदर, हालांकि 1 दिन में मेरा 168 ग्राम के आसपास ये लोग फीड इनटेक कर रहे हैं, मीन्स तीनों शेड में मेरा 20 बोरा दाना 1 दिन में जा रहा है। तो और उस हिसाब से मुझे अब बॉडी वेट नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, हालांकि कैलकुलेशन तो यही बोलता है कि जितना फीड खाएगा उतना वेट देगा, यानी अगर 20 बोरा खा रहा है तो 6 दुनिया 12 मतलब 1120 केजी वेट भागेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं भागना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी हाल में लिफ्टिंग कराऊं, क्योंकि इससे ज्यादा रखने में एक्चुअली भूसा भी मेरा ठीक है, भूसा बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, क्योंकि रेकिंग मैं मैनुअल कर रहा हूं, अभी रोज का रोज रेकिंग कर रहा हूं, लेकिन गैस हो रहा है, तो अगर ज्यादा रखूंगा तो गैस का प्रॉब्लम होगा अमोनिया, और क्योंकि बादल है तो हवा चल नहीं रहा है जिसके वजह से, और मैंने शुरू से आदत रखा नहीं है पर्दा खोल के रखने का, पर्दा हाफ रखता ही रखता हूं, तो जिसके वजह से सुबह में अमोनिया गैस नहीं होता, लेकिन रात में थोड़ा सा अमोनिया गैस अब जनरेट होना शुरू हो गया है, तो इसलिए ठीक है। फिर दोस्तों देखता हूं क्या लिफ्टिंग का पोजीशन है, फिर लिफ्टिंग के रोज वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली 2 रोज वीडियो नहीं बना पाया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था परसों, मैं जब फार्म पे आया था यहां से लौट रहा था तभी एक्चुअली स्कूटी से था, तो स्कूटी से बारिश हो रही थी तो स्किड कर गया, जिसके वजह से राइट साइड कंधे पे और जांग में चोट लगा है और घुटना वगैरह छिला गया है, तो कल फार्म पे नहीं आया था, आज आया हूँ, तो ये है। फीड भी देख रहे हैं सारा खाली है, क्योंकि ज़्यादा फीड मंगाने का मतलब है कि प्रॉब्लम होगा, तो आज 20 बैग दिया था कंपनी वालों ने, वो सारा चल गया, कल मॉर्निंग में फीड आएगा तो कल थोड़ा सा फीडिंग लेट होगा, हालांकि तब तक उतना है फीड, ये देख सकते हैं फीड भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, मॉर्निंग तक पूरा ड्राई हो जाएगा। तो अब देखता हूँ 20-40 बैग और फीड खाएंगे, ये तो कुछ कर नहीं सकता। चलिए दोस्तों देखता हूँ कि लास्ट वेट मेरा कितना आता, लिफ्टिंग के रोज मैं एवरेज वेट आपको दिखाऊंगा, जिसी इस बार मैं 3/4 लॉट है ये मेरा, तो 4 लॉट का जिसी मैं एक साथ मैं प्रॉफिट लॉस आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस। अभी तक 421 बैग फीड ये लोग खा चुके हैं, 60 केजी का बैग आता है सुगना का, तो ठीक है दोस्तों फिर रखता हूँ, और कल एक बार कोशिश करूँगा फिर से वीडियो बनाने का, तो कल का वीडियो कल बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके देन, गुड नाइट।